हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। आज की वीडियो में हम एरेज यानी कि मेष राशि वालों के लिए दिसंबर 22 की रीडिंग करेंगे कि इस साल का ये आखिरी महीना एरेज राशि वालों के फाइनेंस, उनके लव रिलेशन और उनकी हेल्थ के लिए कैसा रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, जितनी आपके साथ मैच करे उतनी रखिए, बाकी जाने दीजिए। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे एरिस राशि वालों के लिए उनका फाइनेंस कैसा रहने वाला है। प्लीज डिवाइन गाइड मी एरिस राशि वालों के लिए उनके फाइनेंस, उनके मनी मैटर्स, उनके धन संबंधी मामले कैसे रहने वाले हैं। एरिस राशि वालों का फाइनेंस इस साल के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर के लिए कैसा रहेगा। पहला कार्ड है आपका डेविल का, दूसरा है एज ऑफ कप, सेवन ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक है आपका सेवन सेवन, बहुत आ रहा है सेवन ऑफ सॉर्ड्स का। एरीज आपके कार्ड कहते हैं कि मे बी पॉसिबल कि आपके वर्क प्लेस में किसी न किसी तरह की आपको परेशानी हो सकती है या हो रही है, और आपने काफ़ी उसको सुलझाने की कोशिश करी है। एज ऑफ कप का कार्ड है तो ऑफ कोर्स एक नई शुरुआत है आपके काम में, आपके जॉब में, किसी भी तरह का फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपको आपका कोई मैटर है तो उसमें एक नई शुरुआत लग रही है। और आपने जो मेहनत करी है अब आप उस मेहनत के इंतज़ार में हैं कि आपको उसका फल मिले, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल भी यही कहता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं और अब आप वेट कर रहे हैं कि अब आपको उसका रिज़ल्ट मिले। तो डेफिनेटली आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि आपकी मेहनत जो है वो कभी भी खाली नहीं जाती है। तो आपके फाइनेंस के लिए कार्ड और निकालते हैं, सेवन ऑफ सॉर्ड आया है तो थोड़ा सा आपको बच के रहने की ज़रूरत है। नीचे भी फाइव ऑफ कप का है कार्ड, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे जो है आपका बढ़िया नहीं चल रहा है। ये इस साल का दिसंबर जो है नेक्स्ट आखिरी महीना है और आप मुझे इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपने बहुत मेहनत करी है। मे बी पॉसिबल कि आप लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो जिसका आपको इंतज़ार हो कि वो प्रॉफिट दे। तो चैरियट का कार्ड आया है, चीज़ें तो आपकी आगे मूव करेंगी और अच्छे तरीके से मूव करेंगी। मेहनत कभी नहीं खाली जाती, याद रखिए। लॉटरी कभी कभी निकलती है लेकिन मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलता है। एज ऑफ कप है, उसके नीचे आया है टू ऑफ कप। आप में से कुछ लोग अगर किसी के साथ पार्टनरशिप की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टनरशिप में आपका काम हो तो कर सकते हैं, पर पार्टनरशिप में कुछ चीज़ों को पहले आप क्लियर करिए उसके बाद करिए। और मेल फीमेल पार्टनरशिप भी हो सकती है। टेम्परेंस का कार्ड है, टेबल के नीचे आया है तो जो वाद विवाद आपके हो रहे थे या किसी भी तरीके की कोई परेशानी आपको हो रही थी एरीज, वो मुझे मैटर आपके जो हैं सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। टाइम ऐसा एक सा नहीं रहता, हमेशा चेंज होता है टाइम। तो जो भी कुछ गलत हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है उसको सुलझाने की आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, और यहाँ पर मुझे आपकी कोशिश जो है वो सफल होते हुए नज़र आ रही है। कि जिस तरह का अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था या किसी डील के आप इंतज़ार में थे, कहीं से आपकी पेमेंट आनी थी, और किसी भी तरीके का अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था कि अब वो मुझे प्रॉफिट दे दे, तो डेफिनेटली एरीज आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। आपका काम जो है वो ग्रोथ करेगा, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में आपको फ़ायदा पहुंचेगा। इसके अलावा अगर कुछ लोग अपना नया काम करने के बारे में भी सोच रहे थे तो वो कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को आप अच्छे तरीके से सोच विचार करके करिए। मेल फीमेल पार्टनरशिप होती है जब आपका किसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा डीप और अच्छा कनेक्शन होता है, कि कुछ लोगों को आपके वर्क प्लेस में ही आपका पार्टनर मिल जाता है
तो आप ये सोचते हैं कि हम लोग मिलके काम करें, तो वो भी अच्छा है। टेम्परेंस का कार्ड है, चीज़ों को आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ, उसमें आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपका बॉटम ऑफ द डेक जो है वो भी 10 ऑफ पेंटिकल का आया है। अगर कुछ लोग अपने पुश्तैनी काम में हैं, कोई ऐसा आपका काम है जो कि पुश्तों से आप करते आ रहे हैं, आपका पैतृक काम है, उसमें भी आपको फ़ायदा मिल सकता है एरीज। और कुछ लोगों को अपनी पुश्तैनी धन संबंधी संपत्ति में भी कहीं ना कहीं मुझे मूवमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है कि इस तरह की आपको न्यूज़ कोई मिल सकती है। कुल मिला के मुझे इस मंथ में एरीज आपके फाइनेंस जो हैं वो बेहतरी की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आई होप सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो। तो अब देख लेते हैं एरीज कि इस मंथ में आपके लव रिलेशन जो हैं वो किस तरह के रहने वाले हैं। ओप्स, प्लीज डिवाइन गाइड मी, दिसंबर के महीने में एरीज के रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं? एरीज क्या बात है, इतने ज्यादा आपके कार्ड गिरते हैं। एरीज के लव रिलेशन दिसंबर मंथ में कैसे रहने वाले हैं? प्लीज डिवाइन गाइड मी, दिसंबर मंथ में एरीज के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे? दिसंबर मंथ में एरीज के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे? प्लीज डिवाइन गाइड मी। टेम्परेंस का कार्ड आपके फाइनेंस के लिए भी आया था, किंग ऑफ सॉर्ड्स। द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक आपका 4 ऑफ पेंट्स का कार्ड आया है, यानी कि आपके रिलेशनशिप जो हैं वो बहुत ही एरीज इस मंथ में खूबसूरत रहने वाले हैं। अगर कहीं कुछ थोड़ी सी भी टेंशन आप फील कर रहे थे अपने रिलेशनशिप में, टेम्परेंस का कार्ड है, आप हील हो रहे हैं, आपकी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, वो भी यही कहता है। ये आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। आप में से कुछ लोग अपने से ज़्यादा मैच्योर बंदे के साथ में भी डील कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। द वर्ल्ड का कार्ड है, कुछ चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, आपके रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिव चेंज भी आ सकता है। आप जिस व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में हैं वो आपके प्रति ईमानदार तो है ही, लेकिन उतना मुझे ऐसा नहीं लगता कि रोमांटिक है। थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि ये व्यक्ति बहुत रूड है, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, लेकिन कम बोलने का या बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। आपके रिलेशनशिप के लिए एरीज कार्ड निकालते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल। एक्शन के मूड में आप या आपका पार्टनर एक्शन के मूड में रहने वाले हैं। वर्ड के नीचे ये कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप। ऑफ कोर्स कोई आपकी तरफ प्यार भरा प्रपोजल लेके आ रहा है एरीज। द एम्प्रेंस, एम्प्रेंस का कार्ड है, तो अगर आप फैमिली प्लान कर रहे थे, अगर आप में से कुछ लोग मैरिड हैं और फैमिली प्लान कर रहे थे, तो उन्हें कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। इसके अलावा आपका जो रिलेशनशिप के कार्ड आए हैं वो बहुत ही बेहतरीन कार्ड आए हैं, आपकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अगर कुछ लोग सिंगल थे तो उनको भी कोई नया नया पार्टनर मिल सकता है, और जो भी पार्टनर उनको मिलेगा वो पार्टनर उनका ईमानदार होगा, अच्छा होगा, उनकी लाइफ को वो स्टेबिलिटी देगा, आपका रिश्ता जो है उस पार्टनर के साथ में अच्छा चलेगा। आप अपने किसी रिलेशनशिप के लिए एक्शन के मूड में नज़र आ रहे हैं, आप या आपका पार्टनर। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में थे और आप चाह रहे थे कि वो व्यक्ति आपको कमिटमेंट दे या आपका रिश्ता आगे बढ़े, तो आप उसके लिए मुझे एक्शन लेते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और सिंगल है तब भी कोई आपकी लाइफ में अच्छा पार्टनर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आए,
तो अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। इसके अलावा कुछ लोग अगर सेपरेशन के मोड में थे या किसी भी तरीके का कोई आपका मैटर सही नहीं चल रहा था, तो वो उनके उनके केस में भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो हील होके आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि उस दुख तकलीफ से वो बाहर जाएंगे। तो मुझे मेरी तरफ से रिलेशनशिप में आपको पूरे ए ग्रेड मिलता है। और आपका ये कार्ड आया था जो फोर ऑफ वेंट्स का आपका कार्ड आया था, वो मैरिज भी दिखाता है। अगर आपका रिश्ता आगे बढ़ रहा है तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एरीज, आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, आप में से कुछ लोगों की रिश्ता भी तय हो सकता है। तो अब हम देख लेते हैं एरीज की आप लोगों का हेल्थ कैसा रहने वाला है। देखते हैं एरीज कि दिसंबर के मंथ में आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। आई होप आपके रिलेशनशिप के साथ साथ आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, आपकी हेल्थ एरीज बेहतर रहेगी, लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आपको उसके लिए स्टेप उठाना चाहिए। सेवन ऑफ पेंटिकल है इसके सपोर्टिंग कार्ड में। द मून कहीं ना कहीं एक मेंटल कंडीशन जो होती है वो भी मायने रखती है। उसमें मुझे लगता है कि आप ज़्यादा सोच विचार इस मंथ में करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको स्टेप उठाना चाहिए। जितना फिजिकल हमें फिट रहना ज़रूरी है, उतना ही हमें मेंटली भी फिट रहना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी तरह की कोई समस्या मेंटली कुछ फेस कर रहे हैं तो आपको काउंसलिंग लेनी चाहिए या किसी अपने से बात करनी चाहिए। कई बार हम बात नहीं करते हैं तब भी कुछ चीज़ें हमारे अंदर रह जाती हैं जो हमें तकलीफ देती हैं, तो उस तकलीफ से आपको मुक्ति चाहिए। अगर आप कुछ इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको किसी ना किसी की राय लेनी चाहिए। स्ट्रेंथ का कार्ड है, अगर समस्या में थे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उससे हील करेंगे, आपको आपकी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आपका मून का आया है, तो जो ये बताता है कि थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, थोड़ी सी चीज़ों को समझ ना आना, और अगर हम ज़्यादा टेंशन में रहते हैं तो उसका पूरा असर हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, तो उसमें आपको नहीं रहना है। मल्टीटास्किंग भी मत कीजिए, क्योंकि एरीज बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो कई बार ये बहुत उत्साह उत्साह में बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तब भी इन्हें स्ट्रेस मिलता है। एरीज मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग अपने फिजिकल, अपने आप को फिजिकल फिट करने की तरफ एफर्ट भी करने वाले हैं और कुछ बेहतरी चाह रहे हैं आप। कुछ लोग आप में से जिम ज्वाइन कर सकते हैं, योगा एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं, हेल्दी डाइट की तरफ जा सकते हैं। तो मेरी तरफ से एरीज दिसंबर मंथ में आपके फाइनेंस, आपके लव रिलेशन और आपकी हेल्थ के लिए ये कार्ड थे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।